हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स दिस इज मी योर होस्ट नितिन तो गाइज आपने कुछ दिन पहले एक मेरा वीडियो देखा था जिसमें कि मैंने सम गार्ड लगाया था तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि ये सम गार्ड पहली चीज़ तो इतना लेट क्यों लगाया और इसको लगाने के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं तो आज करेंगे इन चीज़ों के ऊपर पूरी बात लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा तो आइए शुरू करते हैं सोगाई so सबसे पहले तो आप देखिए वो समगार्ड जो हमने लगाया था और एक्चुअली आपको एक रियल पिक्चर देने के लिए गाड़ी को मैंने बरसात में चलाया और गंदा ही छोड़ दिया उसका पीछे का सिर्फ रीज़न ये था कि मैं एक्चुअली मैं देखना और आप लोगों को भी दिखाना चाहता था कि अब कितना फ़र्क पड़ रहा है समगार्ड लगाने के बाद कितनी मिट्टी आ रही है और अब इस मिट्टी को रोकने का क्या इलाज है तो आइए पहले समगार्ड देखते हैं सो गाइज़ ये देखिए मैंने गाड़ी को बरसातों में चलाया है और मैंने गाड़ी को बिल्कुल भी साफ़ करने की कोशिश नहीं की है यहाँ पे जैसी गाड़ी एज इट इज़ स्टॉक है वही स्टॉक मैंने दिखाने की कोशिश की है और गाड़ी आप जानते हैं कि मैं गाड़ी का कितना बड़ा एंथुजियास्ट हूं तो मैं गाड़ी गंदी बिल्कुल नहीं रखता हूं लेकिन आज एक्चुअली में इसी चीज़ को फील करने के लिए हमने गाड़ी को गंदा रखा था तो ये देखिए आप देख सकते हैं तो अगर आप यहां पर गौर करें तो इंजन का जो इनर साइड है वो इतना गंदा नहीं हुआ है चासी गंदी नहीं हुई है लेकिन ये पोर्शन से लेके यहां तक मुझे मिट्टी मिली है यानी कि ये देखिए आप देख सकते हैं लेग गार्ड के ऊपर भी मिट्टी आई है वहां तक और ये पूरा जो पोर्शन है ये मिट्टी से भर रहा है तो अब आइए करते हैं बात कि अब ये क्यों है और इसके पीछे का क्या रीजन है और इसको हम कैसे प्रिवेंट करने वाले हैं सो so गाइज आपने देखा कि समगार्ड जो है देखिए जो समगार्ड का काम है वो बिल्कुल भी मिट्टी को हटाना नहीं है या कह सकते हैं कि मिट्टी आपके पैरों पे रोकने का उसका कोई लॉजिक नहीं है समगार्ड का जो एक्चुअल रीजन है जिस वजह से रॉयल एनफील्ड ने गाड़ी में समगार्ड को इंट्रोड्यूस किया या फिर लगाया है वो ये है कि रॉयल एनफील्ड वांटेड कि आपकी चैसी और आपका इंजन जो है जो प्रोलॉन्ग डस्ट और पानी होता है उससे प्रोटेक्ट हो और इसके साथ साथ जो भी रोड पर ऑब्स्टिकल्स होते हैं या फिर लो लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह गाड़ी के इंजन चेंबर को नुकसान हो सकता है या फिर आप कह सकते हैं मास्टर सिलेंडर मास्टर ब्रेक सिलेंडर जो यहाँ पे होता है इसको नुकसान हो सकता है इसको रोकने का प्राइमरी रीज़न ये समगार्ड है अब कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें कि लेफ़्ट साइड का गियर कॉलम जो है वो टूटा हुआ था तो एक वीडियो मुझे मेरे एक फ्रेंड हैं राहुल जी छत्तीसगढ़ से तो उन्होंने मुझे वो वीडियो भेजी थी और पूछा भी था शायद कि क्या अगर समगार्ड होता तो ये डैमेज रुक सकता है तो गाइज देखिए समगार्ड का, का काम इंजन के नीचे से लगने वाली किसी भी चीज़ को चाहे वो डस्ट हो पानी हो पत्थर हो उसको रोकने का है जो काम ये समगार्ड बहुत ही बखूबी करता है अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ये समगार्ड सिर्फ इस कलर में ही क्यों आता है दैट इज वाइट वाई नॉट ब्लैक और एनी अदर कलर तो गाइज उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कि ये समगार्ड सिर्फ और सिर्फ आता है आपका सिल्वर कलर में वो ये है कि ये पेंटेड नहीं है गाइज ये समगार्ड जो है आपका एल्युमिनियम कास्ट का बना है और यह एक्चुअल एल्युमिनियम कलर है जिसकी वजह से अगर ये पाउडर कोट किया जाता है या ये क्रोम किया जाता है या ये ब्लैक किया जाता तो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम जब वेयर एंड टीयर होता है यानी कि आपकी गाड़ी रोड पे लग जाती या फिर आपकी गाड़ी लगातार पानी या कीचड़ के थ्रू गुजरती तो वो पेंट या पाउडर कोटिंग ज़रूर छूटती लेकिन यह समगार्ड जैसा आपका आज लगा है पांच साल बाद भी ऐसा ही लगा रहेगा ऐसे ही कलर का रहेगा इसमें डिसकलरेशन नहीं होगा तो यही वो रीजन था कि रॉयल एनफील्ड ने इसको सिर्फ इसी कलर में बनाया आप उनके किसी भी मॉडल में देख लीजिए आपको कलर सिर्फ यही मिलेगा कोई और कलर नहीं मिलता है अब बात करते हैं कि मीट्योर जो इतनी ज्यादा मिट्टी फेंकती है उसका क्या ऑप्शन है तो गाइज़ अब आपको पहले थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मिटी एक्चुअली में मिट्टी फेंकती कहाँ से है तो ये देखिए मिटोर में अगर आप देखें तो मिट्टी फेंकने का जो एरिया है वो यहाँ से लेके कर यहाँ तक का है यही वो पूरा प्रॉपर एरिया है जो कि आपकी मिट्टी को स्प्रेड करता है और उसके साथ साथ जो ये सी के टायर्स हैं अब आप देखिए अगर मैं आपको इन सी के टायर्स के बारे में दिखाऊं तो इनकी आप जो ग्रिपिंग देख रहे हैं ये कट इन टू आउट है यानी कि ये जो भी आपकी कह सकते हैं मिट्टी है डस्ट है इसको इन टू आउट करते हैं जबकि अगर आप एम आर एफ के टायर को कभी भी देखेंगे तो वो आउट टू इन में कटे होते हैं ऐसे करके कटे होते हैं तो ये एक रीज़न और भी है कि ये गाड़ी और ज़्यादा मिट्टी फेंकती है अगर आप इसमें एम आर जैपर लगवा लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको मिट्टी से छुटकारा मिल जाएगा लेकिन इसका जो परमानेंट छुटकारा जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगर इसी टायर के साथ चाहिए तो गाई कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि कुछ आप लोग के लिए एक सोल्यूशन बहुत जल्दी बनाएँ तो कोशिश रहेगी हमारी कि बहुत जल्दी आप लोग के लिए ये सॉल्यूशन हम ले करके आएँ और आप लोगों को इसकी सर्विसेज भी अवेलेबल कराएं। अगर आया तो ये प्रोडक्ट अपने आप में इंडिया में पहली बार होगा कि कोई इस तरीके का प्रोडक्ट आपके लिए मार्केट में आएगा तो और हाँ एक और चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा कि गाइज़ टैंक बैजेस और बैकरेस किट्स दोबारा बहुत ज़्यादा आप लोग के प्रेशर में हम दोबारा से अवेल कर रहे हैं तो जो भी गाइज़ ये टैंक बैज लगवाना चाहते हैं अपनी बाइक्स पे वो हमें कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ नीचे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा आप इस पर कॉल मैसेज करके विवेक से कांटेक्ट कर सकते हैं ये मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर नहीं होता है ये फोर व्लॉग्स में कांटेक्ट नंबर है जो कि विवेक के पास रहता है तो विवेक आपकी क्वेरीज़ को आंसर कर देंगे और अगर आप ये बैकरेस एक्सटेंडर किट लेना चाहते हैं जिससे आप बैकरेस एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये भी हमने दोबारा अवेलेबल करा दी है आप लोग के लिए तो अगर आप चाहें तो ये भी परचेज़ कर सकते हैं इसके लिए नंबर आपके स्क्रीन पे नीचे फ्लैश हो रहा है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए विवेक आपसे अपने आप बात करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा सो so, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सो so, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में टिल देन प्लीज़ स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ स्टे सिक्योर गुड बाय